तस्वीरें आप देख सकते हैं कटरा से, जहां इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। इसको लेकर तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं और देश के कोने कोने से श्रद्धालु इस दौरान माता के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है। पुराणों के अनुसार नवरात्र के ये 9 दिन बेहद पावन माने जाते हैं, बेहद शुभ माने जाते हैं। देश के कोने कोने में मां के शक्तिपीठों में, मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठान किए जाते हैं। और हमारे सहयोगी मुनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रणबीर हमारे सहयोगी शिमला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रणबीर का ही रुख कर लेते हैं। रणबीर, आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है, मां चंद्रघंटा के स्वरूप की आज पूजा हो रही है। संभवतः आप कालीबाड़ी मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं। किस तरह की तस्वीरें और वहां पर लोग दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं, जरा साझा करें तस्वीरें भी रणबीर। जी हाँ, देखिए इस ऐतिहासिक मंदिर की तस्वीर दिखाना चाहेंगे और जैसा कि सभी जानते हैं कि शिमला का इतिहास ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो ये मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर श्यामला माता जिसे कहा जाता है, और इसी माता के मंदिर के नाम पर जो है शिमला का नाम पड़ा है ऐसा माना जाता है। और इस मंदिर की स्थापना के इस वर्ष जो है 200 वर्ष भी पूरे हुए हैं और यहाँ पर भक्तों के आने का सिलसिला जो है सुबह से जारी है। दूर दराज से लोग आते हैं, जैसे कि कालीबाड़ी का मंदिर है और इतिहास इसका जो है कोलकाता से जुड़ा है, तो बंगाल से जो काफी सारे श्रद्धालु यहाँ पर हर साल आते हैं। ऐसे श्रद्धालु हमारे साथ भी जुड़े हैं, उनसे जरा बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम अरुण मल्लिक है, मैं कोलकाता से हूँ और हम लोग फैमिली के साथ घूमने के लिए आया हूँ। ये शिमला का मेरा 5th टाइम विजिट है। तो ऐसा लगता है कि इस मंदिर के बारे में मुझसे ज्यादा आपको पता होगा, जरा बताएं यहाँ और कोलकाता का क्या संबंध है? अच्छा, कोलकाता क्या है, कोलकाता जो नाम है काली के साथ जुड़ा हुआ है। अंदर चलते हैं जी। काली के साथ जुड़ा हुआ है। कोलकाता में दो मशहूर मंदिर है, काली का मंदिर है, एक दक्षिणेश्वर और एक दूसरा एक कालीघाट का। कालीघाट का मंदिर का जो स्ट्रक्चर है उससे शिमला माता का मंदिर का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। और मैं काली भक्त हूँ, इसलिए हर साल जब शिमला विजिट करते हैं काली माता का मंदिर दर्शन और पूजा चढ़ाते हैं। आज सुबह काल शाम को आया जो आरती देख रहे हैं, आज फैमिली के साथ सुबह आया, पूजा चढ़ाया, प्रार्थना किया माँ के सामने। पश्चिम बंगाल में तो ये सबसे बड़ा आजकल फेस्टिवल है, दुर्गा पूजा। क्या विशेष है इसमें, माता को कैसे जो है आप प्रसन्न कर सकते हैं? जो दुर्गा पूजा फेस्टिवल बंगाली लोगों का मेन फेस्टिवल है, वो मोहल्ला का बाद जो देवभोग को शुरू होते हैं उसी से बिग पेंडल मंडप और जो दुर्गा आइडल, वेरियस टाइप ऑफ दुर्गा आइडल, लाइटिंग फैसिलिटीज बहुत बिल्कुल मार्वेलस। चलिए, बहुत शुक्रिया जी रणबीर, थैंक यू। नवरात्रों के आपको और आपके परिवार को शुभकामनाएं, थैंक यू। तो जैस्मिन, ये सीधी तस्वीरें यहाँ मंदिर से दिखा रहे हैं, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं वो भी यहाँ बिल्कुल रणबीर, ये सीधी तस्वीरें शिमला स्थित कालीबाड़ी मंदिर से हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। और आज नवरात्र का तीसरा दिन है। कालीबाड़ी मंदिर का इतिहास जिस तरीके से आपने भी बताया कि कोलकाता से जुड़ा हुआ है और जो भी सैलानी यहाँ घूमने आते हैं, खासतौर पर जो बंगाली मूल के सैलानी होते हैं, वो इस मंदिर में जरूर दर्शन और पूजा करने पहुंचते हैं। मुनीष हमारे सहयोगी पुंज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुनीष, आप कौन से माता के मंदिर में मौजूद हैं और आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है, कैसा माहौल मंदिरों में पुंज में देखने को मिल रहा है? मुनीष, जी मुनीष, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, जी के कालिका माता मंदिर में हूँ। ये प्राचीन मंदिर है, उस मंदिर की ये मान्यता कि यहाँ पर जो मूर्ति है 1947 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस समय जो एक ज्योति जो है, जी तो ये काली माता का मंदिर है और इसके मानता है कि ये जो 1947 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वहाँ पर देवी मंदिर था पीओके में,
तो वहां से एक ज्योति आई थी और इस मूर्ति में आके समाई थी और इस मंदिर का काफी महत्व है। और आपको बता दें कल से लगातार बारिश हो रही है, अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो मंदिर में सुबह से बारिश के बावजूद भी जो है पिछले 5 घंटों से लगातार श्रद्धालुओं को आना जाना लगा है और श्रद्धालु जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। खास करके आज तीसरे दिन है नवरात्रों का और मंगलवार होने की वजह से आज यहाँ भीड़ अधिक है और यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं बड़े ही श्रद्धा से जो है अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और इसलिए यहाँ पर हमेशा जो है नवरात्रों में भारी रश रहता है। अगर बात करेंगे तो मंदिर में अभी जो है कथक समाप्त हुई है और शाम को यहाँ पर महाआरती होती है जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है आते हैं यहाँ मंदिर में। जी बिल्कुल मुनीष, और क्योंकि हजारों श्रद्धालु मंदिर में पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए, तो सुरक्षा व्यवस्था भी कहीं ना कहीं एक चैलेंज रहता होगा। सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम यहां पर किए गए हैं इन खास 9 दिनों के लिए? बिल्कुल यासमीन, वैसे तो यहाँ परमानेंट जो मंदिर में चौकी है पुलिस की, यहाँ पर पुलिसकर्मी रहते हैं, लेकिन नवरात्रों को लेकर खास यहाँ पर व्यवस्था रहती है। अगर बात करेंगे तो मंदिर के आगे जो है वाहनों का आना जाना बंद रहता है और जो भी श्रद्धालु हैं वो वाहन दूर खा करके आते हैं और पुलिस की जो है यहाँ पर गश्त रहती है, पुलिस जो है समय समय पर यहाँ आती जाती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल मुनीष, यहाँ पर सुरक्षा के बंदोबस्त कड़े रहते हैं खास तौर पर इन 9 दिनों में। और रणबीर शिमला से हमें ये तस्वीरें दिखा रहे थे, मुनीष पुंज से हमें माता के दर्शन करवा रहे थे। और रणबीर आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि टूरिस्ट सीजन की भी शुरुआत हो चुकी है, मौसम सर्द हो चला है और ऐसे में भारी संख्या में जो सैलानी आते हैं वो जाहिर सी बात है कि माता कालीवाड़ी के दर्शन करने ज़रूर पहुँचते हैं। तो मुनीष भी हमें तस्वीरें दिखा रहे थे, मुनीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है और माता के मंदिरों में विशेष अनुष्ठान और पूजा अर्चना की जा रही है, वहीं से तस्वीरें हम आपको